बचपन से विद्यालय से विक्टोरिया के नाम पर मीठा नहीं खाएंगे। और उस तेजस्विता के साथ बंगाल आए, क्रांतिकारी दल में शामिल हुए, क्रांति के सर्वोच्च मंडल में प्रविष्ट हुए, अनुशीलन समिति के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे, महाराष्ट्र में विप्लवी दल का काम किया, कांग्रेस में गए, हिंदू महासभा में अनुभव किया। लेकिन लगा ये कि असली बात उस पर दृष्टि कम जाती है। उन्होंने अनुभव किया कि पूरे देश को संगठित करने का कैसे काम होगा, और उनको लगा कि आत्मबलि ही सर्जना का मूलभूत रहस्य, वृक्ष तो है बीज का ही दिव्य कायाकल्प, अगर कोई व्यक्ति आत्मबलि देने के लिए तैयार है, अपनी बलि, और तब वह ऐसे व्यक्तियों को तैयार कर सकता है जो आत्मबलि देंगे, क्योंकि बीज ही तो वृक्ष के रूप में फलता फूलता है। और डॉक्टर हेडगेवार ने आत्मबलि दी। जब कुल 75 डॉक्टर थे पूरे मध्य प्रदेश में, अगर वो डॉक्टरी करते तो क्या न बन जाते। लेकिन पूजनीय गुरु जी की भाषा में कहूं, अपने जीवन को उन्होंने कहा, इदंग राष्ट्राय, इदंग न मम, इदंग राष्ट्रवाहा। ये पूरा जीवन राष्ट्र का है, मेरा नहीं, राष्ट्र के मंगल के लिए समर्पित। बहुत आसान होता है आवेश में जाना, लाठियां खाना, गोलियां खाना। बहुत मुश्किल होता है प्रतिदिन अपनी संपूर्ण जीवन सुविधाओं को तिलांजलि देकर काम करते रहना। पंक्तियां याद आती हैं, तिल तिल पल पल खुद को देना, यह जीवन का अर्थ है। जितना अधिक दे रहा है जो, उतना अधिक समर्थ है। जो जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा जीता है वह। वर्षा मेघ न बरसे तो फिर भरा हुआ भी रीता है वह। नदी सिवा बहने के क्या है, जीवन दिए बिना है सूना। धारा से हरियाली उमगे तो धारा का बहना दूना। हम सब जीवन जिए, उड़ेलें अपने प्राणों की रस गागर, नहीं चुकेंगे नहीं, भरी है हर गागर में कितनी गागर। तिल तिल पल पल खुद को देना, यह जीवन का अर्थ है। जितना अधिक दे रहा है जो, उतना अधिक समर्थ है। ये तिल तिल करके देना, अपने जीवन का पल पल देना, आवेश में नहीं, किसी सामयिक उत्तेजना के वशवर्ती होकर नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी योजना के साथ, पूरा जीवन देना। जो जितना ज्यादा देता है उतना ज्यादा जीता है। अपने को संपूर्ण रूप से डॉक्टर हेडगेवार ने दिया, और वे संपूर्ण रूप से जीवित हैं। आज उनकी भाव मूर्ति अधिकाधिक उज्ज्वल होती जा रही है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आज का ये आयोजन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे समाज को संगठित किया, प्रतिहिंसा के वश नहीं, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं, लेकिन आक्रमण सहने के लिए भी नहीं। उनका एक अद्भुत दोहा वो सुनाया करते थे, काहू को भय देत नहीं, नहीं भय मानत आप, ऐसे संघ को देखकर जगत डराने हो आप। किसी को कोई भय नहीं देना है, लेकिन स्वयं भी भयभीत नहीं होना है। ये जरा से भय से हमारी जिंदगी सिकुड़ जाती है, इसको स्वीकार करना है। निर्भय होकर राष्ट्र के जीवन के लिए अपने को समर्पित करना है, और उस क्रम में अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको प्रत्याक्रमण के द्वारा समाप्त करना है। ये भी सही, ये जो निर्भयता का मंत्र, ये जो सतत समर्पण का मंत्र,
ये जो संगठन का मंत्र, ये जो आत्म प्रसिद्धि से विमुख रहने का मंत्र, ये मंत्र हेडगेवार गोत्र को उत्तराधिकार में मिला है। जो हम हेडगेवार गोत्री लोग हैं उसको ये विरासत मिली है। और मोरोपंत जी पिंगले उसी विरासत का वाहन कर रहे हैं, उसको आगे भी ले चलो। क्या संकल्प है हेडगेवार गोत्र का? हेडगेवार गोत्र का संकल्प है कि हमारा अणु अणु, हमारा रोम रोम इस समाज का ऋणी है। वर्णिकी का अद्भुत श्लोक है, जीवने यावद आधारम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थना अस्माकम भगवन परिपूर्यताम। हेडगेवार गोत्री डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जिनको हमने पहला सम्मान दिया, उनका श्लोक है, जीवने यावद आधारम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। इस जीवन में राम जी मैंने बहुत कुछ लिया है, इस जीवन में मैंने जितना पाया है आपकी कृपा से मरने के पहले उससे अधिक प्रदान कर सकूं। जीवने यावद आदानम, जितना आदान है लिया है, स्यात् प्रदानम ततोधिकम, मेरा प्रदान उससे अधिक हो सके, इत्येषा प्रार्थना अस्माकम भगवान परिपूर्यताम। भगवान हमारी ये प्रार्थना है, आप इसको पूर्ण करें। और इसलिए संघ का प्रत्येक प्रचारक, संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक अपने समाज के साथ ओतप्रोत भाव से मिलकर दृढ़ता के साथ, निर्भयता के साथ जीवन भर काम करता है, ये डॉक्टर हेडगेवार का पुण्य प्रताप है। और कितने क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों की ओर भी संकेत डॉक्टर हेडगेवार का, और उसका मूर्त रूप मोरोपंत जी पिंगले। कैसे भारत को एक किया जा सकता है, कैसे भारत के पूर्व गौरव को जगाया जा सकता है? एकात्मता यात्रा, शिवा पूजन, ये जो सरस्वती लुप्त हो गई, पूरी की पूरी सरस्वती नदी वेद में जिसकी इतनी महिमा, कहां बहती थी, उसका क्या? ऊपर से छायाचित्र लेकर उस क्षेत्र को निर्धारित करना, उसको देखना, ये जो हमारे ऊपर परकियों ने झूठे लांछन लगाए केवल अपनी साम्राज्य लिप्सा के कारण, ये साबित करना चाहे कि सब बाहर से आए हैं, हिंदू भी बाहर से आए हैं, आर्य भी बाहर से आए हैं, इतना बड़ा मिथ्या प्रलाप, साम्राज्यवादियों से पैसा लेकर लिखा गया ग्रंथ, और जिसके लिए उन्होंने खुद बाद में परिताप किया मैक्स मूलर ने, कि मैंने गलत कहा, जो नहीं है वो कहा, आर्य नाम की कोई जाति नहीं है, आर्य केवल श्रेष्ठता का संबोधन मात्र है। लेकिन आज भी मैकाले पुत्र हम लोगों को बचपन से घुट्टी में पढ़ाते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, बाहर से। इतिहास शोधक मंडल के द्वारा मोरोपंत जी पिंगले ये साबित करना चाहते हैं, साबित है। सरस्वती नदी के किनारे बैठकर हमने जब वेदों की रचना की थी, हम बाहर से नहीं आए थे। और आज तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना ये सुविख्यात सत्य सत्य सिद्ध हो गया है कि तथाकथित वामपंथी लोग भी अब इसको मानने के लिए लाचार हो। मोरोपंत पिंगले, उनकी बात आपने सुजिदा से सुनी, मेरा सौभाग्य इतना नहीं हुआ कि मैं उनके अंतरंग संपर्क में आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता, लेकिन जितना भी, और फिर डॉक्टर हेडगेवार से जुड़ता है हर आदमी, चाहे वो मोरोपंत पिंगले से जुड़े, चाहे मैं, माननीय पत्की जी, गोरे जी, एकनाथ जी, एकनाथ सांडे और पूजनीय गुरु जी के माध्यम से वही एक शक्ति काम कर रही है, और उस शक्ति के द्वारा आज हम उनके मानस पुत्र पिंगले जी का अभिनंदन करते हैं।